हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ ना भाई, साउथ की धमाकेदार मूवी है, जिस मूवी का नाम है वोटर। और ये मूवी हमें देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, और ये मूवी हमें क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखने के बाद, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, और इस मूवी का जॉनर है ड्रामा, एक्शन एंड थ्रिलर। और इस मूवी को IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 91% के स्कोर दिए है। और भाई रीडिंग से समझ सकते हो कि भाई मूवी कितनी धमाकेदार होने वाली है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है कार्तिक रेड्डी ने, और इस मूवी की कास्टिंग में आपको बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे पसोनी कृष्णा मुरली, सुरभि, विष्णु मांचू, संपत राज, नसीर और जयप्रकाश। और भाई पहली बता दूं, इस मूवी को भाई गलती से भी मत करना, इस मूवी को एक मास्टरपीस मूवी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये मूवी भाई एक मास्टरपीस से भी कम नहीं है। और ये मूवी भाई फुल्ली इम्प्रेस करती है। और जब भी भाई पॉलिटिक्स और वोटर की बात आएगी ना, तो भाई आपको इस मूवी की भाई बिल्कुल याद आने वाली है, क्योंकि भाई ये मूवी कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नई चीज आपको दिखाती है। और भाई एक वोटर की कितनी ताकत होती है, क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीज आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और इस मूवी में एक नया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है भाई, रिकॉल वाला। जितने भी भ्रष्ट नेता है उनको रिकॉल के जरिए कैसा उनकी कुर्सियों से उनको हटाया जाता है, आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी में जो सुरभि का कैरेक्टर है ना, वो गौतम से कैसे मिलता है भाई, वो वाला तरीका मुझे थोड़ा आउटडेटेड लगा, कि भाई एक लड़की है जो गरीबों की मदद करती है और लड़का भाई उस लड़की को लाइक करता ही है। और इस मूवी में जो गौतम का कैरेक्टर है वो एक नेता को कैसे ब्लैकमेल करता है, कि वो जितने भी वादे करता है और जब उसको कुर्सी मिल जाती है तो वो अपने सारे वादों से मुकर जाता है, लेकिन वो उसकी वीडियो बना के कैसे ब्लैकमेल करता है और जनता को उसका हक दिलाता है, वो वाला सीन भाई इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। क्योंकि इस मूवी में जो सुरभि का कैरेक्टर है ना, वो लड़की पहले बोल देती है कि इस नेता ने जितने भी वादे किए ना, अगर वो वादे तुम उससे पूरे करवा दो तब मैं तुमको आई लव यू बोल दूंगा। और भाई वो उससे इतना प्यार करता है कि भाई एक आई लव यू सुनने के लिए वो कैसे पसोनी कृष्णा मुरली के पीछे पड़ जाता है, और भाई उसको अपना घर बेचना पड़ जाता है, और जितने भी उसने वादे किए थे ना वो सारे वादे उसको पूरे करने पड़ते हैं कैसे ना कैसे। और इस मूवी में अगर विष्णु मांचू की एक्टिंग की बात की जाए ना, तो भाई वो यहाँ पे फेल होते हैं, क्योंकि भाई उनकी एक्टिंग में कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। लेकिन इस मूवी में जो संपत राज का कैरेक्टर है ना भाई, नेगेटिव वाला एक भ्रष्ट नेता का, भाई उन्होंने वो अपना किरदार बखूबी निभाया, और भाई उनका कैरेक्टर भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है। और भाई इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक वोटर की कितनी पावर होती है, क्या क्या राइट्स होते हैं, ये सारी चीजें इस मूवी में आपको ढंग से एक्सप्लेन की जाएगी। इस मूवी का अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें ना, तो भाई इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही पसंद आया मुझको, और जो वाला साउंड होता है ना वोटर वाला भाई, वो वाला जब साउंड बैकग्राउंड में आता है तो भाई मजा आ जाता है। और इस मूवी की अगर स्टोरी की बात की जाए, तो इस मूवी में जो गौतम का कैरेक्टर है वो अमेरिका में शिफ्ट है, और एक उसकी अच्छी जॉब है 6 लाख रुपए पर महीना, और उसको उसकी कंपनी उसके काम की वजह से पार्टनरशिप शेयर्स ये सारी चीजें ऑफर करती है, लेकिन वो सारी चीजें मना कर देता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और जो और इस मूवी में जो गौतम की माँ है वो उसको हमेशा फोन करती है कि बेटा इंडिया कब आ रहे हो, इंडिया कब आ रहे हो, लेकिन हमेशा गौतम का यही आंसर रहता है कि मम्मी मैं इंडिया तब आऊंगा जब इंडिया में कोई बड़ा काम होगा मेरे को। और जब गौतम को पता चलता है कि भाई इंडिया में वोटिंग होने वाली है, तो वो वोटिंग के लिए जाता है, और जब उसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे भ्रष्ट नेता भरे पड़े हैं। और इस मूवी में एक जमीन है जो गरीबों के लिए अलॉट की गई है, और कैसे वो सारी जमीन नेता लोग हड़प लेते हैं। और इस मूवी में जो गौतम का कैरेक्टर है वो गरीब लोगों को इंसाफ दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और भाई इस मूवी का डायरेक्शन, डायलॉग, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, लेकिन इस मूवी का भाई क्लाइमेक्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इस मूवी के क्लाइमेक्स में कुछ नया नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना एक तरह से भाई तगड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको ये वीडियो भाई पसंद आता है ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।